तो मन करता है कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं या फिर चैनल ही डिलीट कर दूं पूरा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती कहानी कि चैनल डिलीट हो जाएगा यार, इस तरीके से अगर व्यूज़ नहीं आए तो चैनल डिलीट करना पड़ेगा और क्या है। बहुत ज़्यादा टेंशन में दोस्तों कहानी चल रही है। भाइयों आज का ये वीडियो ना ही कोई टैग वीडियो है और ना ही आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे सीधा बात करने आया हूँ। पिछले कुछ महीनों से जो है मैं वीडियो आपको कंटिन्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी चैनल पर व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, वीडियोज़ पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। क्यों भाई, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है यार, क्या करूँ। बहुत बुरा लगता है यार जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के बाद देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ रहता है। 12 घंटे के बाद देख ली चाहे वीडियो, 18 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद, 22 24 घंटे के बाद तक वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा दिमाग में डिप्रेस हो जाता हूँ मैं, टेंशन में पड़ जाता हूँ कि यार क्या कमी रहती है, क्या वजह रहती है। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है फिर भी आप बताइए कि आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, कोई और टॉपिक भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर सकता हूँ इसी चैनल पर। लेकिन आप बताइए, आप वीडियो को देखिए, आप जरा, मैं बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज वाली वीडियो बनाता हूँ, बीच बीच में मैं एप्लीकेशन का रिव्यू भी कर देता हूँ, जो बेस्ट एप्लीकेशन होती हैं आप लोगों के लिए यूजफुल होती हैं उन एप्लीकेशन का मैं रिव्यू भी कर देता हूँ, फिर भी उसके बाद भी आप वीडियो वॉच नहीं करते हैं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आता है, बिल्कुल भी। 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ ना आना बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन हो जाती है। मैं रेगुलरली वीडियो डालता हूँ और इसी वजह से मैं बीच बीच में 1 2 दिन मिस हो जाते हैं, वो इसी वजह से मिस हो जाते हैं कि वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं और मैं टेंशन में डिप्रेस्ड हो जाता हूँ कि भाई क्या किया जाए, क्या कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए जो व्यूज़ आने लगे, आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करने लगें। लेकिन मैं कोई न्यूज़ देता हूँ, न्यूज़ के बाद भी आपको जैसे थंबनेल बढ़िया बनाता हूँ, वीडियो बढ़िया बनाता हूँ, वीडियो में क्वालिटी भी मिलती है आपको, लेकिन उसके बाद भी वीडियो पर व्यूज़ ना आना अपने आप में बहुत बड़ी एक टेंशन होती है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बिल्कुल भी मजाक में नहीं हूँ, ना ही मजाक में मूड में हूँ, बिल्कुल भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन में हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर्स ना आए या फिर चैनल पर व्यूज़ ना आए तो बुरा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पहले न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ देखने के बाद उसे पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो जो है बनाता हूँ, एडिट एडिट होती है वीडियो, थंबनेल बनता है, उसके बाद जाकर कहीं अपलोड किया जाता है वीडियो। लेकिन अपलोड करने के बाद भी क्या है कि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। इससे अच्छा मैं चैनल डिलीट कर दूं भाई, क्या होगा, चैनल डिलीट होगा और क्या होगा, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है, वीडियो देखते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने वीडियो अपलोड किया, 10 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या 10 घंटे बाद मैं वीडियो देखूँ, या 20 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद भी अगर मैं वीडियो देखता हूँ अपनी, तो उस पर व्यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मन करता है कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं या फिर चैनल ही डिलीट कर दूं पूरा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती कहानी कि चैनल डिलीट हो जाएगा यार, इस तरीके से अगर व्यूज़ नहीं आए तो चैनल डिलीट करना पड़ेगा और क्या है। बहुत ज़्यादा टेंशन में दोस्तों कहानी चल रही है। तो आपको वीडियो पूरी देखना चाहिए, क्या कमी रहती है, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप बताइएगा कि भाई आपका ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है हमें, या फिर आप और अपने इम्प्रूव कीजिए अपनी जो है टेक वीडियो बनाने में, अब न्यूज़ देने में आप और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, तो मैं इम्प्रूव भी करूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो बताइएगा, मैं उस टॉपिक को भी लाऊंगा,
आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन आप वीडियो को सही से वॉच कीजिए, सही से देखिएगा, जिससे वीडियो को देखने में जैसे ही अपलोड की जाए वीडियो पर अच्छा व्यूज़ होगा तो देखने में भी जो है मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट भी होऊंगा। आप जैसे वीडियो को देखेंगे व्यूज़ अच्छे आएंगे और लाइक मिलेंगे, अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं देखूंगा कि भाई लोग मुझे बढ़िया पसंद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। बैड कमेंट्स तो होते हैं, कुछ लोग जैसे हेटर्स होते हैं वो बैड कमेंट भी कर देते हैं, जिनके दिमाग में ही लोचा घुसा रहता है, कीड़ा घुसा होता है कि इनके वीडियो पर कमेंट करना ही है, बैड कमेंट और डिसलाइक ठोकना ही ठोकना है। तो समझ लीजिए उन लोगों का दिमाग का तो कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिए, जिससे किसी भी बंदे को जो है आपके कमेंट से, आपके लाइक से और व्यूज़ देखकर मोटिवेशनल मिले, मोटिवेट हो। कोई भी बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी वीडियो देखो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली उस वीडियो को कट कर दो, ठीक, एग्जिट कर दो, चैनल को ही हटा दो, दूसरा चैनल देख लो कोई। लेकिन अगर आप डिसलाइक ठोकते हैं और क्या कहते हैं बैड कमेंट करते हैं तो जो चैनल का ओनर होता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई यार इतनी मेहनत लगती है, 5-10 मिनट ना, एक आध घंटे का काम है ये, 5-6 घंटे का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी कभी तो जो है 10-12 घंटे, 24 घंटे तक यूट्यूबर जो है वीडियोस पर काम करते हैं, वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने में। वीडियो का टॉपिक देखना कोई छोटी बात नहीं है, टॉपिक देखना, उस पर उसे पढ़ना, रिहर्सल करना, बहुत ज़्यादा उसे पढ़ा जाता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई न्यूज़ गलत ना हो जाए। सभी न्यूज़ को पढ़ता है कि करके, जितनी सारी न्यूज़ होती हैं सबको पढ़ता है, उसमें जो मेन टॉपिक होते हैं उसी को यूट्यूबर उठाता है और उस पर वीडियो बनाता है। वीडियो बनाते समय भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, अटकता है। बहुत से यूट्यूबर होते हैं जैसे गर्मी में वीडियो बनाते हैं तो बार बार उन्हें दिक्कत होती है, पसीना आता है और भी बहुत सारी दिक्कतें। हर कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं होता जो एसी में बैठकर वीडियो बना रहा है, तो ठीक है, तो इसी वजह से गर्मी का सामना करना पड़ता है, बार बार अटकता है और उसके बाद वीडियो एडिट करता है, एडिट भी करता है, ठीक है। एडिट करने के बाद एडिट में भी बहुत समय लगता है, एक आध घंटा लगभग, अगर आपको बढ़िया एडिट करना है, उसमें म्यूज़िक डालना है और भी बातें होती हैं, एडिट करना होता है बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल एडिटिंग करनी होती है। उसके बाद कहीं जाकर थंबनेल भी बनाया जाता है, थंबनेल में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कि क्या थंबनेल रखा जाए, कौन किस तरीके का फ़ोटो क्लिक किया जाए जिससे हम थंबनेल पर लगा सकें, व्यूज़ अच्छे आ सकें, लोगों को पसंद आए और वीडियो हमारी चल सके। थंबनेल बनाया जाता है और थंबनेल के बाद और वीडियो अपलोड की जाती है, अपलोड होने में भी थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा नहीं समय लगता है। उस पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उस पर हैशटैग लगाए जाते हैं, टैग्स लगाए जाते हैं, जिससे वीडियो जो है रन करने लगे बढ़िया तरीके से, उस पर व्यूज़ आए, हर कोई बंदा उस वीडियो को लाइक करे, पसंद करे बढ़िया तरीके से, और वो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सके ताकि वीडियो चले बढ़िया तरीके से, सारे लोग इधर से उधर देखें वीडियो को। बहुत समय लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आप सोचते हैं कि एक आध घंटा या आधे घंटे में वीडियो बनाई जाती है, थंबनेल बनाया जाता है, वीडियो एडिट की जाती है, वीडियो अपलोड भी किया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 5-6 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, जो है थंबनेल बनाने में, वीडियो एडिट करने में, वीडियो अपलोड करने में, उसके बाद कहीं जाकर आपको वीडियो मिलता है, फिर उसके बाद यूट्यूबर शांति से चैन से बैठता है, वीडियो अपलोड हो जाती है आज की, उसके बाद वो शांति से फिर भी नहीं बैठता, अगले दिन की जो है टॉपिक ढूंढता है कि अगले दिन मुझे क्या वीडियो बनाना है, वो शाम से ही उसी टाइम से ही टॉपिक देखने लगता है कि किस टॉपिक पर मुझे जो है नेक्स्ट डे वीडियो बनाना है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, 4-5 घंटे, 8-10 घंटे कड़ी मेहनत के बाद जो है वीडियो बन पाता है, आप लोगों को मिल पाता है। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, देखा निकल गए, ठीक है। अब बहुत सारे हेटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि वीडियो देखा, वीडियो देखने आए, देखा, देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आता है तो भी उन्हें जो है डिसलाइक ठोकना होता है, अगर नहीं आता है तब भी उन्हें डिसलाइक ठोकना होता है। डिसलाइक ठोका, एक बैड कमेंट किया,
और बहुत सारे होते हैं तो रिपोर्ट भी कर देते हैं, खुरापाती हेटर्स जो है रिपोर्ट भी कर देते हैं वीडियोस पर, उसके बाद चैनल से निकल गए, चलते बने अपने ठीक। लेकिन उन्हें ये नहीं खबर होती है कि इन लोगों को कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, 5 5 10 घंटे के बाद आप लोगों को वीडियो देना डेली रेगुलरली, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप वीडियो को सही से वॉच करेंगे, वीडियो को रेगुलरली देखेंगे बढ़िया तरीके से, और हर कोई बंदा एक एक लाइक जाकर ठोकेगा और कमेंट करेगा एक पॉजिटिव कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगा आपके लिए। और भी अभी ये वीडियो बन रही है, अगर हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद ना आती हो, लेकिन धीरे धीरे मैं चेंजेस करूँगा कुछ के, धीरे धीरे आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे ठीक है, और भी अच्छी वीडियो आपको और भी अच्छा आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो जैसे ही आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आपकी लाइक देखकर, व्यूज़ देखकर, कमेंट देखकर, मैं जैसे ही मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस समय बिल्कुल मैं सीरियस मूड में हूँ, और आप बताइएगा कि आपको क्या करना है, आप आगे जानते हैं बेहतर तरीके से कि आपको क्या करना है। बस आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को देखिएगा सही से, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अपनी थोड़ी भी वीडियो पसंद आती है, तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट हो सके तो पॉजिटिव कमेंट करिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा आपको जो है मैसेज देता रहूँगा, मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तब तक के लिए आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और आगे आपको पता है कि आपको क्या करना है। चलिए जय हिंद।